माही सुनो यार, पानी होनी दो, बैठो। मैं क्या कह रहा था, वो मम्मी का फोन आया था ऑफिस में, तो मम्मी का तबीयत नहीं ठीक है, अब पापा का भी तबीयत नहीं ठीक है, तो तुम चले जाओ 2-3 महीने के लिए घर, और थोड़ा मम्मी पापा को बनाना खिलाना, फिर आराम से अपना फिर चले आना तुम। मुझे मम्मी के घर जाना ही नहीं है, ना कि उधर रहना है। ये खाना पसंद नहीं है, वो दाल पसंद नहीं है, अच्छे से बनाओ कभी भी वो लोगों को पसंद ही नहीं आएगा। मुझे उधर जाना नहीं है ना कि रहना है। रहना है तो तुम्हारे साथ ही रहना है। मम्मी के पास जाके मम्मी का सेवा करोगी, वो बूढ़ी हो गई हैं, उनका एज हो गया है, तो तुम इतना नहीं कर सकती हो, उनका नहीं थोड़ा कर सा सुन नहीं सकती, सकती तुम। नहीं सुन सकती। यार जाके मम्मी का सेवा करोगी तो फल मिलेगा तुम्हें, ठीक है? और ऐसा कोई बहू नहीं करती, मम्मी भी तो थी, बहू बनी थी, तो कभी उन्होंने भी सेवा किया अपने माँ बाप, तो आप नहीं कर सकती जैसे आपके माँ बाप, अपने माँ बाप का सेवा नहीं करोगी? मुझे जाना नहीं है, मतलब जाना नहीं है। वो लोग मुझे मेरी मम्मी की तरह प्यार देता ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी मम्मी को जाके देखूं? तुम और मतलब तुम्हारा मम्मी रहो और खाना बनाओ और खाओ, मेरे को जाना ही नहीं है। हमेशा तुम मम्मी की तरह भी बात करते हो, कभी बीवी के लिए सोचा क्या? कभी नहीं सोचा। यार ऐसा तुम बोलती हो, मैं नहीं सोचता तो तुमको यहां अकेले लेके रहता बॉम्बे में, तुमको मैं केवल 2-3 महीने के लिए। ये मतलब जाना नहीं है, रहना है तो इधर ही रहना है, बात खत्म। ठीक है, अच्छा तुम कुछ बनाओ खाने के लिए, मैं देखता हूँ। यार पागल कर दिए हैं यार, एक तो साला ऑफिस में बॉस का सुनो, फिर माँ का सुनो, फिर बीवी का सुनो, अब समझ में नहीं आता है किसका सुने किसका नहीं सुने। माँ की तरफ से बोलो तो माँ गुस्सा, बीवी की तरफ से बोलो तो बीवी गुस्सा, किसके तरफ से बोलो, किसको समझाए? देखते हैं यार, माँ को ही बोलता हूँ कुछ ना कुछ, पागल हो गया हूँ यार, मेरा फोन कहाँ गया, मैं फोन देखता हूँ।